हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के अपने चहेते परिवार एग्जामपुर में। दोस्तों तो एक बार सभी लोग को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल और आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं बताइए एक बार, कैसे हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी लोग को, गुड मॉर्निंग। अरे भैया गुड मॉर्निंग सभी लोग को, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथी, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ये सभी लोगों में अभी जितने लोग अभी इतने सुबह सुबह इंतजार कर रहे हैं, स्वागत है मेरे प्यारे साथी, स्वागत है। चलिए अमन जी, कृष्णा जी, डीके वर्मा, पुष्पेंद्र, आत्मा, विकास, सोनिया, किशन, अमन, तो सभी लोगों का स्वागत है। चलिए अनिल जी, सभी का स्वागत है। दोस्तों तो देखो आज मैं आपको क्या करा रहा हूं, दोस्तों आज मैं आपको क्या करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं, समझे। चलिए तो आज मैं आपको क्या करा रहा हूं, देखिए जो प्रश्न आ चुका है, आज मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूं। क्या आज मैं आपको दोस्तों टॉपिक वाइज करा रहा हूं, समझे, टॉपिक वाइज आज आपको कराने वाला हूं। जो प्रश्न कुछ यहां से इंपॉर्टेंट है और आपको आने वाले ही हैं किसी भी पेपर में, किसी भी पेपर में आने वाले, समझ गए। गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी लोग को हो गया, और भगवान भोले की शंकरी में महादेव। चलिए तो देख लीजिए, हाल ही में कुछ बने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ठीक है, ये अलग अलग देशों में अपॉइंट हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। आपको क्या करना है दोस्तों, नोट कर लेना है, और आगे इसमें क्या करना है वो भी बताऊंगा। चलिए तो जितने भी लिस्ट बने हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो आयरलैंड के दोस्तों नए प्रधानमंत्री बने माइकल मार्टिन। क्या आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, माइकल मार्टिन, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। मैं आज बोल रहा हूं नोट करने के लिए, नोट करने के लिए बोल रहा हूं, आप इसे नोट कर लोगे, ठीक है। माइकल मार्टिन बने हैं। जापान के योशिहिदे सुगा, क्या योशिहिदे सुगा ये जापान के बने हैं। ये किसके जगह पे बने प्यारे साथी, तो ये बने हैं जापान में शिंजो आबे के जगह। क्या शिंजो आबे, ठीक है, शिंजो आबे के जगह बने हैं, याद है। और शिंजो आबे को दोस्तों भारत का ये पद्म विभूषण पुरस्कार अगर किसी के, किसी बाहरी विदेश के प्रधानमंत्री को दिया गया तो किसे दिया गया, तो याद रखना पद्मा विभूषण अवार्ड किसे दिया गया, इस शिंजो आबे को ही दिया गया। ये कहां से, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। क्या जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, याद रख लेना यहां से, जरूर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, शिंजो आबे वाला आपको याद रख लेना। साई इंगवेन ये ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाती है। क्या साई इंगवेन ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाती है, और ये दूसरी बार बनी है। क्या दूसरी बार अभी बनी है, याद रखना पहली महिला लेकिन लगातार दूसरी बार बनी है। क्या लगातार दूसरी बार बनी है। स्क्रीनशॉट एक बोल रहा है, ले लो बच्चे, तुम्हें मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। मैं बोलता हूं ना पीडीएफ की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाली जो पीडीएफ उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसकी मैं, सर बता दीजिए कमेंट जा रहा है क्या। हाँ जी कमेंट जा रहा है, कमेंट आ रहा है, ठीक है। चलिए साई इंगवेन चांद संतोखी मेरे प्यारे साथी, चांद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम के हैं, ठीक है, सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं। क्या नाम है इनका, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिस पे स्टार मारते जाएंगे उसे आप समझ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और दिल्ली पुलिस में पूछ चुका था एक राम के लावन, वो आगे आपको मिल जाएगा, वो दिखा दूंगा, ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। मोक्तार उवान माली के प्रधानमंत्री, क्या मोक्तार उवान माली के बेवल राम कलावन, ये देखिए ये पेपर में आया हुआ दोस्तों। ये क्यों आया हो कि ये भी हाल ही में बने हैं, और इनका संबंध भारत से है, और भारत में भी बोलूं तो इनका संबंध बिहार से हो जाता है, ठीक है, बिहार से हो जाता है। बेवल राम कलावन ये सेशल्स के राष्ट्रपति बने। सेशल कहां, दक्षिणी हिंद महासागर का एक देश है। क्या दक्षिणी हिंद महासागर का एक देश है। लाजर चकवेरा मालावी के राष्ट्रपति, ठीक है। हमीद बकाओ के ये आइवरी कोस्ट प्रधानमंत्री, और मुकेशी मेजरो लेजोथो के प्रधानमंत्री। क्या लेसोथो के प्रधानमंत्री। तो तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला यहां पे आपको कहां कहां वाला याद रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट याद तो सबको ही रखना है, एक सेशेल्स वाला आपको याद रखना है, ठीक है, एक सूरीनाम वाला, ठीक है, सूरीनाम वाला, और जापान के बारे में तो आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सूरीनाम वाला। चलिए मोहम्मद हुसैन रोबले, क्या मोहम्मद हुसैन रोबले सोमालिया के राष्ट्रपति। क्या सोमालिया के प्रधानमंत्री, सोमालिया के प्रधानमंत्री।
पीडीएफ कहाँ मिलेगा बच्चे, पीडीएफ एग्जाम पूर आप ऑफिशियल ऐप पे जाओगे, ठीक है, वहां पे जो फ्री वाला सेक्शन होगा वहां पे मैं पीडीएफ इस वाले का पीडीएफ डलवा दूंगा, समझे, इस वाले का पीडीएफ डलवा दूंगा। बाकी जो मैं डेली कराता हूं मैं उसका बोलता हूं पीडीएफ नहीं दूंगा, वहां पे आपको डेली आना, मैं खुद ही याद करवा दूंगा, क्या खुद ही याद करवा दूंगा, और पीडीएफ दूंगा तो आपको आगे क्या काम करना वो भी बता दूंगा। चलिए, हैथम बिन तारिक अल अहमद ये ओमान के बने, क्या ओमान के बने, लेबनान के दोस्तों ये क्या बने, साद हरीरी, क्या साद हरीरी, लेबनान के बने, साद हरीरी कहां से बने, लेबनान का बने। हाँ, अब देखो क्या करना दोस्तों, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसका बोल रहा हूं ना बच्चे, पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से आप अपने पास नोट कर लेना। अब आपको क्या करना है, जब आगे और भी लोगों को बनाया गया उनके बारे में भी ऐड कर दूंगा। देखो मैं क्या करता हूं, मैं ये बने ना तो इसका लिख दिया, ये बने इसका लिख दिया, अभी लेबनान के मान लीजिए बन गए इनके बारे में लिख दिया, लेकिन जब अगला कोई बनता है मैं लिखता हूं ना तो उससे पहले पता है मैं क्या करता हूं, एक बार ऊपर वाले सबको देख लेता हूं। मेरी बातों को समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं, जो भी नए अपॉइंट होता है उनका तो मैं इसी लिस्ट में नीचे ऐड करता ही हूं, लेकिन एक बार ऊपर सबको देख लेता हूं सो डेट मुझे एक बार सारे चीज रिमाइंड हो सकता है। ऐसा ही आपको करना है, ऐसा ही आपको करना है, समझ गए मेरी बातों को, ऐसा ही आपको प्यारे साथी करना है। चलिए, यहां से ये वाले जो आपको बहुत बारी, अगर मुझसे मेरे साथ या एग्जाम पूर्व परिवार के साथ आप जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से तो आपके पास ये टेबल पहुंच गई होगी, ठीक है, यहां से आपको आने वाले किसी भी पेपर में, किसी भी पेपर में अगर मैं सच बोलूं ना तो इस टॉपिक से, इस टेबल से आपको एक कांस्टेबल पेपर से लेकर, क्या कांस्टेबल से लेकर ये आईएसपीसीएस तक, क्या आईएसपीसीएस तक इस पेपर, इस टेबल से प्रश्न जरूर ही बनते, इस टेबल से प्रश्न जरूर ही बनते। टेबल का महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि ये टेबल क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टेबल मेरे प्यारे साथी ग्रैंड स्लैम के बारे में, क्या ग्रैंड स्लैम में चार गेम, चार टूर्नामेंट होते हैं, ग्रैंड स्लैम किससे रिलेटेड है, ये टेबल टेनिस, ये टेनिस से रिलेटेड है, क्या टेनिस से रिलेटेड है। प्रश्न किस किस तरीके से बनाता है वो भी बताऊंगा। देखिए, चार ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन पे ग्रास पे, जबकि यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब देखिए प्रश्न किस किस टाइप से पूछता है, पूछेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन में दोस्तों, देखिए देखिए किस किस टाइप से प्रश्न पूछेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा, एक टाइप ये प्रश्न हो गया, एक टाइप का प्रश्न ये हो गया, टाइप वन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा। दूसरा इसी में पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग में, मान लीजिए पूछ लिया नोवाक जोकोविच जीते हैं, पूछ लेगा ये किस देश से बिलोंग करते हैं, क्या नोवाक जोकोविच किस देश से बिलोंग करते हैं, ये भी पूछ लेता है। टाइप नंबर दूसरा हो गया, क्या टाइप नंबर दूसरा हो गया। फिर इसमें संबंध, जब बड़े पेपरों में जाओगे तो वहां पे पूछ लेगा कि किस कोर्ट पे खेला जाता है, कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, टाइप नंबर थ्री हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछता है। चलिए चलिए, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों 2020 किसके द्वारा जीता गया है। अब देखिए, ये कोरोना आ गया था, ये कोरोना से पहले जनवरी में ही खेल दिया गया था, जनवरी फरवरी में खेला गया था, बाकी को पोस्टपोन किया गया और कुछ बाद में खेला गया। यहां से देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों ये कहां पे खेला गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच जीतते हैं, ये कहां से, सर्बिया से है, जबकि महिलाओं में सोफिया केनिन अमेरिका से, क्या सोफिया केनिन अमेरिका से। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, राफेल नडाल जीते हैं, स्पेन से है, और एगा स्वेत्रेक ये पोलैंड से महिलाओं में जीती हैं, ठीक है, ठीके? याद रखेंगे विंबलडन दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है 1945 वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि विंबलडन इस बार कैंसल होगा। तो पूछ सकता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम 1945 के बाद या ग्रैंड स्लैम के बाद पहली बार कैंसिल हुआ, तो ये विंबलडन कैंसिल हुआ है, ठीक है, जबकि यूएस ओपन में डोमिनिक थिम ऑस्ट्रेलिया से और नाओमी ओसाका, मेरे प्यारे साथी नाओमी ओसाका जापान से जीतती है, नाओमी ओसाका जापान से जीतती है। एक बार मेरे प्यारे भाई पता है क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लो। अब क्या करना, जब स्क्रीनशॉट ले लोगे तो देखो, दिन में कहीं भी आप मोबाइल पे जा रहे हो ना, जो मैं करता हूं वही मैं आपको बताता हूं, जो मैं करता हूं वही बता रहा हूं। मान लीजिए कि आप जा रहे हो,
ठीक है, अगर मेरे मोबाइल में देखोगे तो लगभग, अभी बात बताऊं तो 1100 ऐसे, 11 से 1200 लगभग ऐसे स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं जो कि पढ़ाई रिलेटेड है। 1169 स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं दोस्तों। बस यही चीज है कि जब भी मैं खोल के देखता हूं तो जिस तरीके से आप अपने सोना मोना टोना को देखते हो, मैं भी वही करता हूं। सोना मोना टोना को तो देखता ही हूं, साथ में जब इसे स्क्रीनशॉट से ऐसे करता हूं ना तो साथ में वो भी आ जाता है। क्या साथ में ये भी आ जाता है? तो एक बार देख ही लेता हूं। समझ गए मेरी बातों को? हटिए, हट गया भैया, क्या हट गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब स्क्रीनशॉट हो जाएगा तो जल्दी से बता देंगे। चलिए, जरूर मैं जैसे करता हूं एक बार वैसे चलो भाई, आपको बड़ा ही मजा आएगा करंट अफेयर पढ़ने में, बड़ा ही मजा आएगा। एक बोल रहा है, हो गया होगा, इतना एनफ टाइम है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप देखोगे कि इस स्क्रीनशॉट से आपको किसी ना किसी पेपर में जरूर पेपर आपको मिल जाएगा, क्या जरूर। चलिए, अब अगला आ जाता है, कुछ अम्बेसडर राजदूत बने हुए अलग अलग देशों में, क्या अलग अलग देशों में राजदूत बने हुए दोस्तों अम्बेसडर। नम्रता एस कुमार स्लोवेनिया, आपको याद करा दिया हूं क्या? जब भी अगर आप डेली क्लास में आते हो तो एक से रिलेटेड दूसरा याद करा देता हूं। चलिए, और जो जो इसमें भी इंपॉर्टेंट मारूंगा आप कर लेना, तो इसे भी स्टार याद रखना है। नम्रता एस कुमार स्लोवेनिया, जयदीप मजमूदार, ये कहां पे बने? ऑस्ट्रिया में बने, क्या ऑस्ट्रिया में जयदीप मजमूदार, ठीक है। दीपक कुमार मित्तल कत्तर, दीपक कुमार मित्तल कत्तर में हो जाते हैं। पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में, क्या पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में। ब्राजील में मेरे प्यारे साथी, क्या ब्राजील में कौन हो जाते हैं? सुरेश के रेड्डी, क्या ब्राजील में सुरेश के रेड्डी। नाइजर में पीके नायर, क्या नाइजर में पीके नायर, नाइजर में मेरे प्यारे साथी पीके नायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला, गायत्री ईश्वर कुमार, क्या गायत्री ईश्वर कुमार। नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ कहां पे? यूनाइटेड किंगडम, क्या नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड किंगडम गायत्री ईश्वर कुमार। एक बार मेरे प्यारे साथी, यहां पे बहुत कम लोग अभी, पता नहीं, एक बार शेयर कर दो, क्या एक बार अभी शेयर कर दो सभी लोग को, जितने लोग लगभग 800 के लोग करीब है यहां पे, एक बार सभी लोग शेयर कर दो साथी। चलिए, गायत्री ईश्वर कुमार। मोनिका कपिल मोहता, ये कहां पे हो जाती है? अम्बेसडर, ये स्विट्जरलैंड में, ये भी याद रख लेना, क्या स्विट्जरलैंड हमेशा से चर्चा में रहने वाला देश, मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में ये हो जाती है। राहुल श्रीवास्तव दोस्तों कहां पे हो जाते हैं? रोमानिया में। राहुल श्रीवास्तव ये कहां पे? रोमानिया। राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में हो जाते हैं। चलिए, राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में हो जाते हैं। सीबी जॉर्ज, सीबी जॉर्ज ये कहां पे हो जाते हैं? ये कुवैत में, क्या सीबी जॉर्ज कुवैत में। डॉक्टर बीबी पी नायर, ये तुर्कमेनिस्तान में हो जाते हैं। कहां पे? तुर्कमेनिस्तान। अंजनी कुमार मोरसेनिया में, ठीक है, अंजनी कुमार मोरसेनिया में ये हो जाते हैं, ठीक है, अंजनी कुमार मोरसेनिया में। अगर हाल ही में बात करें तो हमने मनीष चौहान को कहां पढ़ाया था? कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था मनीष चौहान, कल भी शायद मैंने आपको बताया था, कल भी शायद मैंने आपको बताया था, किसी न किसी क्लास में आप जरूर होंगे। मनीष चौहान को हाल ही में किस देश के राजदूत के रूप में बनाया गया? मनीष चौहान दोस्तों सुबह की क्लास में भी हुई थी कल, और कल या परसों मैंने रात वाली क्लास में, जो 10 बजे वाली क्लास होती है, वहां पे भी बताया था मनीष चौहान को दोस्तों। एक बोल रहा है, सोना बाबू की देन 5 बजे जग जाते हैं, बहुत अच्छी बात, हमारी सोना बाबू होती तो काश हम भी जग पाते, सुबह में लेट हो जाती है आने में। रोज पता है यहां से जाता हूं ना, यहां से जाता हूं 6 बजे क्लास लेकर, तो होता क्या है 7:30 तो सोते सोते लग जाता है, 11 बजे का अलार्म लगाता हूं और जगने में मुझे लगभग 12 बज जाते हैं। हमेशा सोचता हूं कि 1 घंटा मेरा बर्बाद हुआ, समझे, 1 घंटा बर्बाद हुआ। फिर 11 बजे जग के देखो मेरा टाइम टेबल क्या होता है, 11 बजे जगता हूं, फिर अपना मोबाइल खोलकर रजाई में क्या न्यूज ढूंढता हूं, आधे 1 घंटा न्यूज ढूंढता हूं, तब उसके बाद आ जाता हूं ऑफिस, खा पी कर, नहाता नहीं हूं, ठंड लगती है। चलिए, ये कहां पे दोस्तों? मनीष चौहान को पुर्तगाल में, क्या पुर्तगाल में। रोज नहीं नहाना चाहिए ठंडों में, पानी की बचत करो। चलो, GITEC दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसमें बढ़ जाएं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं दोस्तों। GITEC हाल ही में जोड़े गए, GITEC तो बहुत सारा है, क्या GITEC तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, GITEC तो बहुत सारा है लेकिन हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हाल ही में जोड़े गए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पथमा डाई मैट, ये कहां पे? तमिलनाडु, क्या पथमा डाई मैट तमिलनाडु। फिर कोबिल कदलाई मिठाई भी तमिलनाडु, क्या कोबिल
ठीक है, कोविद कदलाई मिठाई, क्या कोविद कदलाई मिठाई, ये भी कहां पे, तमिलनाडु। आरंबूर की लकड़ी, ये भी तमिलनाडु। ठीक है, एक डंडियु डांडियु ताला, क्या एक ताला कोई करके, वो भी तमिलनाडु में। ये सारे चीज, खोला मिर्च मेरे प्यारे साथी कहां पे, गोवा, गोवा में खोला मिर्च। ठीक है, खोला मिर्च के साथ साथ गोवा में मैं क्या क्या आपको याद कराया हूं, हर्मल मिर्च, क्या हाल ही में एक ही दिन मिला था किसको किसको, हर्मल मिर्च, गोवा की एक फेमस खेज मिठाई, क्या खेज मिठाई, और साथ साथ मोइरा केला, क्या मोइरा केला, मोइरा केला, ये किसका जीआई टैग मिला है गोवा में, याद रखना, खोला मिर्च, हलमार मिर्च, खेज मिठाई और मोइरा केला, क्या मोइरा केला, हैंडराइटिंग थोड़ा सही करना है। गुलबर्ग तूर दाल, ये कहां पे, कर्नाटक में। ठीक है, गोरखपुर टेराकोटा, ये तो तमिल, यहां का उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, नाम से ही पता चल रहा है। चलिए, कोविद कदलाई मिठाई ये बता दिया तमिलनाडु का। चक हाउ चावल मणिपुर, क्या इंपॉर्टेंट, चक हाउ चावल, चक हाउ काला चावल, ये मणिपुर का मिला हाल ही में। तेलिया रुमाल मेरे प्यारे साथी तेलंगाना, क्या तेलंगाना, तेलिया रुमाल, कल या परसों मॉर्निंग वाले क्लास में ही बताया था तेलंगाना से रिलेटेड कुछ न्यूज था। तो सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड, डाले खुसरानी, ये एक मिर्च है कहां पे, सिक्किम, डाले खुसरानी मिर्च कहां पे, सिक्किम। तेजपुर की लीची, क्या तेजपुर की लीची, असम, जबकि गोवा में मोइरा कोला, हर्मल मिर्च, क्या हर्मल मिर्च। चलिए, ये भी एक जी आई टैग, हाल ही में जोड़े गए जी आई टैग, क्या हाल ही में जोड़े गए जी आई टैग। चलिए जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पे आपको बुक एंड ऑर्थर, क्या बुक एंड ऑर्थर, कर्म योद्धा ग्रंथ, देखो कर्म योद्धा ग्रंथ के लेखक की बात करूंगा तो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई, ये जो बुक लिखी गई है, जो कैबिनेट है, क्या कैबिनेट है, उसके द्वारा लिखी गई थी और अमित शाह जी के द्वारा रिलीज की गई थी, क्या अमित शाह जी के द्वारा रिलीज की गई थी। ठीक है, कर्म योद्धा ग्रंथ, ये किसके ऊपर बुक है पूछेगा, तो ये मोदी जी के ऊपर, क्या मोदी जी के ऊपर बुक है। ठीक है, तो मोदी जी के ऊपर एक बुक है कर्म योद्धा ग्रंथ, कैबिनेट के द्वारा लिखी गई थी, अमित शाह जी ने रिलीज किया था। अगर मोदी जी की बुक की बात करेंगे तो एक फेमस बुक एग्जाम वॉरियर, क्या एग्जाम वॉरियर फेमस बुक, ये मोदी जी के द्वारा लिखी गई है एग्जाम वॉरियर। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर, क्या द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर, ये वाली जो पीडीएफ दूंगा ना, तुम्हें पीडीएफ नहीं दूंगा, तुम्हारे लिए दो चार प्रश्न ही दूंगा, क्या दो चार प्रश्न इस पीडीएफ से आपको मिलेगा। चलिए, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग मेरे प्यारे साथी शशि थरूर, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, ये पद्मनी बोरा, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, क्या अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड, क्या लॉकडाउन लीजेंड्स, शोभा डे। ठीक है, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी, जल्दी से बता दो, ये मैं जो नहीं देखा उसको छुपा दे रहा हूं, क्या जो छुपा दे रहा हूं, अब क्या करूंगा मैं, ये नाम को छुपाऊंगा, तुमसे प्रश्न पूछूंगा, समझे, नाम को छुपाऊंगा, तुमसे प्रश्न को पूछूंगा, समझ गए। चलो, क्योंकि ये सारी चीज पढ़ाई गई, क्या क्योंकि ये सारी चीज पढ़ाई गई, सटलिंग टू द टॉप, सटलिंग टू द टॉप, पीवी सिंधु, ये पीवी सिंधु हमारी क्या है दोस्तों, बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर, इनके ऊपर लिखी गई बुक सटलिंग टू द टॉप, पीवी सिंधु, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है वी कृष्णमूर्ति, क्या वी कृष्णमूर्ति, क्रॉनिकल, क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस, क्या क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस, स्मृति ईरानी, क्या स्मृति ईरानी, कारगिल एट दी कारगिल, विजयंत एट कारगिल, लाइफ ऑफ ए कारगिल वार। देखिए, तो एक विजय जी थे, उनका निधन हो गया था बहुत ही कम उम्र में, तो उनके ऊपर बुक लिखी गई थी, और किसके द्वारा लिखी गई है, ये विजय जी के पिता और उनके बेटी के द्वारा, क्या पिता, उनके पिताजी और उनके बेटी के द्वारा, पिताजी कौन, कर्नल बी एन थापर और बेटी नेहा दुबेदी, क्या कर्नल बी एन थापर और बेटी नेहा दुबेदी, बाय बाय कोरोना, ये बुक बहुत ही चर्चा में रही थी, बाय बाय कोरोना, सुनो बाय बाय कोरोना, ये विश्व की पहली साइंटिन बुक है, क्या साइंटून बुक है, साइंटून की बात करूंगा तो क्या दोस्तों, इसमें साइंस प्लस कार्टून, क्या साइंस प्लस कार्टून, साइंटून बुक, साइंस प्लस कार्टून, साइंटून बुक, ये किसके द्वारा लिखी गई है, प्रदीप श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी गई है। चर्चा में ज्यादा ये नहीं रहे, चर्चा का विषय ज्यादा रहा था कि ये किसके द्वारा जारी किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, क्या आनंदी बेन पटेल जी के द्वारा इसे जारी किया गया था, आनंदी बेन पटेल जी के द्वारा। चलिए, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये सेफ है, भारत के सेफ, सेफ विकास खन्ना, ठीक है, वॉइस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर, आजादी
फ्रीड में फैसेज फ्रिक्शन अरुंधति राय, क्या अरुंधति राय, ये भी आपको याद होगा, क्या ये भी आपको याद होगा, अरुंधति राय, आनंदीबेन पटेल रिलीज, बहुत सही। चलिए भैया अब तो बाय हो जाओ। क्रिकेट ड्रोना, क्रिकेट ड्रोना किसके द्वारा, तो जतिन परांजय और आनंद बसु जी के द्वारा, ठीक है। अमेजिंग अयोध्या बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अमेजिंग अयोध्या इसको भी स्टार मार लोगे। अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा, अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा, विशेष कोड टू विन, विशेष कोड टू विन, एक विशेष एक प्लेयर है, क्या विशेष फ्रीक्वेंसी एक प्लेयर है दोस्तों, समझ गए मेरी बातों को, क्या विशेष फ्रीक्वेंसी एक प्लेयर है, ठीक है, विशेष भृगवंशी, विशेष भृगवंशी एक प्लेयर है, उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है विशेष कोड टू विन, विशेष कोड टू विन, ये किसके द्वारा, निरुपमा यादव के द्वारा, क्या निरुपमा यादव के द्वारा विशेष कोड टू विन। आज प्रश्न नहीं है, आज आपको बताने का दिन है, क्या बताने का दिन है, तो याद रख लोगे विशेष भृगवंशी मेरे प्यारे साथी, विशेष भृगवंशी, ठीक है, विशेष भृगवंशी एक प्लेयर है, उनके ऊपर बुक विशेष कोड टू विन। एक बार आप बता दीजिए ये विशेष भृगवंशी किस खेल से बिलोंग करते हैं, क्या किस खेल से बिलोंग करते हैं विशेष भृगवंशी, विशेष भृगवंशी किस खेल से बिलोंग करते हैं, जल्दी बता देंगे, जल्दी से बताओगे साथी, विशेष भृगवंशी का संबंध किस खेल से मेरे प्यारे साथी। यहां पे लगभग 1100 लोग हैं, मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, रेशियो समझ में नहीं आता क्या आपको, रेशियो का मतलब यह होता है कि अगर मैं बोलता हूं कि लाइव जितने लोग देख रहे हैं, रेशियो नंबर ऑफ लाइक, क्या नंबर ऑफ लाइक, मैं चाहता हूं कि बराबर है, चाहे आप 10 लोग देख रहे हो तो 10 रेशियो 10 रहना चाहिए, ठीक है, 500 लिख रहे हो तो उतना, अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं तो ये मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि मैं आपको क्या दे रहा हूं, मुझे पता है क्या दे रहा हूं, मैं आपको ऐसे फालतू चीज नहीं कि क्वेश्चन करो, मुझे पता है क्वेश्चन कराने से आप सभी लोग को मजा आता है कि आंसर देकर आप खुश हो जाते हैं, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन भी होता है ना, क्वेश्चन के एक साथ बहुत सारे चीजों बताने की कोशिश करता हूं मैं, एक घंटे में 50 क्वेश्चन नहीं कराता हूं, 15-20 क्वेश्चन ही कराता हूं, लेकिन उस 15-20 में मैं कोशिश करता हूं कि 60-70 इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड दे दें। चलिए अगर आपको चीजें पसंद आ रही दोस्तों, अगर चीज पसंद आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए तो मुझे अच्छा लग गया। चलिए ये किससे बिलोंग करते हैं, बास्केटबॉल से बिलोंग करते हैं, लोग बता रहे हैं कैसे, बास्केटबॉल से बिलोंग करते हैं, और ये बास्केटबॉल मेरे प्यारे साथी, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो ये भी याद रखना 5 प्लेयर होते हैं, क्या 5 प्लेयर होते हैं, ठीक है, विशेष कोड टू विन, बहुत सही शानदार। चलिए एक और बुक थी दोस्तों, एक और बुक कोई थी, पीबी सडले, अच्छा वही था, बता दिया। चलिए अगला अगर देखते हैं, होप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोर्ड्स ट्रेन एंड प्लांट्स, ठीक है, हाउ द ओनियन गोड्स, ये रस्किन बॉन्ड की है, हाउ द ओनियन गोड्स इट्स लेयर, ठीक है, और ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स फुल ऑफ स्टोरीज, ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज, ये दोनों के दोनों सुधा मूर्ति, क्या इंफोसिस के जो को फाउंडर की वाइफ है, समझिए सुधा मूर्ति, इनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा, हाउस द ओनियन गॉड सिट्स लेयर, ये बच्चों के लिए कहानी है, और ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज, ये भी सुधा मूर्ति के द्वारा, क्या ये भी सुधा मूर्ति के द्वारा, चलिए ये भी क्या सुधा मूर्ति के द्वारा, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, क्या द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ये किसके द्वारा दोस्तों, तो ये लिखा गया कृतिका पांडे के द्वारा, क्या कृतिका पांडे के द्वारा, और इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला, क्या कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, क्या शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है इस बुक के लिए। चलिए और कुछ बुकों का नाम बताते हैं जिनको अवार्ड दिया गया है, और कुछ बुक जिसको अवार्ड दिया गया है, देखिए जेसीबी प्राइज किसको मिला है, जेसीबी प्राइज मिला है, ठीक है, किसको मिला है, तो ये मिला है एच हरीश को, क्या एच हरीश को मिला है, किस बुक के लिए मेरे प्यारे साथी मिला है, तो मुस्टैच के लिए, क्या मिला है, क्या मुस्टैच के लिए मिला है, ठीक है, तो मुस्टैच बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये मलयालम में लिखी गई है, क्या मलयालम में लिखी गई है एच हरीश, और इनको जेसीबी प्राइज 2020 मिला है, क्या जेसीबी प्राइज 2020। औनी दोषी के द्वारा एक लिखी गई बुक है बंट शुगर, क्या बंट शुगर, ये औनी दोषी के द्वारा लिखी गई, क्या औनी दोषी के द्वारा लिखी गई है
बंट सुगर ओनी दोषी, ये भी आपको याद रखोगे ठीक है। और ये याद रखना जो ये मलयालम में लिखी गई इसको अंग्रेजी में कौन किया है, अंग्रेजी में कौन किया है कमेंट करके बता दो, अंग्रेजी में कौन किया है। और मेरे प्यारे साथी सुगी बैन एक किताब, क्या सुगी बैन किसके द्वारा लिखी गई है वो भी बता दो, सुगी बैन किसके द्वारा लिखी गई है वो भी बता दो ठीक है। सुगी बैन किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है ठीक है, और इस बुक के जो लेखक हैं उनको कौन सा प्राइज दिया गया, सुगी बैन के लेखक को कौन सा प्राइज मिला है, कौन सा प्राइज मिला है ठीक है, सुगी बैन के लेखक को कौन सा प्राइज मिला है, ओनी दोषी बंट सुगर ठीक है। जबकि इसके अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट किए उनका क्या नाम हो जाता है, जयश्री कलाथिल, क्या जयश्री कलाथिल। याद रखना जेसीबी प्राइज में ये साहित्य का अवार्ड है, सबसे ज्यादा प्राइज दिया जाता है 25 लाख रुपए, कितना 25 लाख रुपए दिया जाता है, जो हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर जो ट्रांसलेट करता है उसको 10 लाख। चलिए आगे है सुगी बैन मेरे प्यारे साथी, ये बुक किसके द्वारा लिखी है, इनको मैन बुकर प्राइज दिया गया, क्या कौन सा अवार्ड दिया गया, मैन बुकर अवार्ड, कौन सा अवार्ड, मैन बुकर अवार्ड ठीक है, मैन बुकर प्राइज दिया गया ठीक है 2020 ठीक है। और ये कहां से, स्कॉटिश से बिलोंग करते हैं, क्या स्कॉटिश से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है, क्या नाम है इनको, बहुत डगलस स्टुअर्ट, क्या स्टुअर्ट डगलस, स्टुअर्ट डगलस नाम हो जाता है, स्टुअर्ट डगलस इनका नाम हो जाता है, क्या मेरे प्यारे साथी नाम हो जाता है, स्टुअर्ट डगलस नाम हो जाता है। चलिए सुगी बैन स्टुअर्ट डगलस, सचिन तेंदुलकर के ऊपर दोस्तों बुक प्लेइंग इट माई वे, क्या प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक फेमस बुक, जबकि माइंड मास्टर, क्या माइंड मास्टर, ये विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद मेरे प्यारे साथी पहले ग्रैंड मास्टर ठीक है, पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति, ये बुक लिखी गई है माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के द्वारा। लेकिन एक और मजेदार बात बताऊं, ये जो माइंड मास्टर लिखी गई ना इसमें एक सहलेखिका भी थी, क्या ये इसमें एक सहलेखक भी थे, क्या सहलेखक भी थे, इनका क्या नाम हो जाता है, सहलेखक थे, इनका क्या नाम हो जाता है। एक तो बहुत ही फेमस बुक छोड़ी दिया, क्या फेमस बुक बताना भूल ही गया, कौन सा मेरे प्यारे साथी, आई एम नो मसीहा, क्या मैं मसीहा नहीं, क्या मैं मसीहा नहीं, ये क्या लिख रहा हूं, मैं मसीहा नहीं, चलिए आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं, मैं मसीहा नहीं, ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है, आई एम नोट मसीहा, ये भी बता दोगे ठीक है। चलिए आई एम नोट मसीहा ये किसके द्वारा बुक लिखी गई है, मैं मसीहा नहीं। जो बात करेंगे माइंड मास्टर के सहलेखक की बात करूंगा दोस्तों, तो इसके सहलेखक कौन हो जाती है, कौन हो जाते हैं, सुसान निनन, क्या सुसान निनन इसके सहलेखक हो जाते हैं, मतलब कि इनके साथ ये भी लिखे हैं इस बुक में, ये भी लिखे हैं आई एम नोट मसीहा मेरे प्यारे साथी, कौन, सोनू सूद, क्या सोनू सूद, आई एम नोट मसीहा किसके द्वारा, सोनू सूद ठीक है। और इसमें भी एक सहलेखक है सोनू सूद, और इसमें भी एक सहलेखिका है, इनका क्या नाम हो जाता है, नीना अय्यर, क्या नीना अय्यर हो जाता है ठीक है, नीना अय्यर इनके सहलेखिका हो जाते हैं, कौन सा, नीना अय्यर आई एम नोट मसीहा के सहलेखिका कौन हो जाती है, आई एम नोट मसीहा, क्या मेरे प्यारे साथी, आई एम नोट मसीहा सोनू सूद के इतना अच्छा कार्य करने के लिए, क्या इतना अच्छा कार्य करने के लिए, बहुत सही शानदार, मीना अय्यर, क्या मीना अय्यर, सोनू सूद और नीना नहीं, मीना अय्यर, क्या मीना अय्यर, मीना अय्यर दोस्तों, क्या मीना अय्यर ठीक है, मीना के अय्यर ये इनका नाम हो जाता है, समझ के मजा आया कि नहीं, इंफॉर्मेशन आपको टॉपिक वाइज में ज्यादा मिलते हैं रादर देन क्वेश्चन ठीक है, रादर देन क्वेश्चन टॉपिक वाइज में ज्यादा मिलते हैं। चलिए इंडेक्स की बात करूंगा दोस्तों, यहां पे आपको कुछ अभी इंडेक्स दिखेंगे ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके, बस टॉप बताऊंगा किसके द्वारा जारी की गई और अंतिम स्थान कौन पर रहा था, अंतिम स्थान कौन पर रहा था, देखिए 115 देश ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है, स्वीडन टॉप पे रहा था, इंडिया 74 रैंक पे, हैती कितने पे रहा था दोस्तों, अंतिम स्थान पे 115वें स्थान पे रहा था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, क्या
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि किसके पास, किस देश के पास इतना स्वतंत्रता है आगे बोलने के लिए, ठीक है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये एक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है उसके द्वारा। 180-200 में दोस्तों भारत की रैंक कितनी, 142 रही है, क्या 142 रही थी। नॉर्वे इसमें टॉप पे रहा है, कौन सा, नॉर्वे इसमें टॉप पे रहा, उत्तर कोरिया लास्ट पे, क्या उत्तर कोरिया लास्ट में रहा है। इन सभी का एक जगह संयोग भी करके आपको दे दूंगा। चलिए खुशहाली, सबसे ज्यादा खुश कौन, फिनलैंड, सबसे ज्यादा खुश कौन, फिनलैंड, और भारत कितने, 144वें स्थान पे। अफगानिस्तान दोस्तों किस पे, अफगानिस्तान लास्ट में। अच्छा तुम्हें एक पता है कि जो अपना ये पड़ोसी वाला है ना, कौन सा, वही कुत्ता वाला, ठीक है, वो हमसे भी ज्यादा खुशहाली में आगे है। पता है क्यों, ये जो खुशहाली वाली रैंक दी जाती है तो ये वोटिंग कराया जाता है, और वोटिंग की बात करूंगा तो वोटिंग जो लोग करेंगे हमारे देश में तो फालतू कामों के लिए उतना समय नहीं है, ठीक है, ये सब काम करोगे नहीं, और ज्यादा सर हमारे देश पीछे ही सब में रैंकिंग वगैरह में हो जाता है पॉपुलेशन के कारण। क्यों, पॉपुलेशन के कारण हो जाता है दोस्तों। चलिए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, क्या इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, 180 देशों जिसमें एक देश, 6 देशों को शामिल इस बार नहीं किया गया, यानी कि तब जो लास्ट रहेगा वो किस पे रहेगा, वो 180वां देश पे रहेगा, ठीक है, 180वां देश पे। सिंगापुर पहला, ठीक है, भारत 120, नॉर्थ कोरिया मेरे प्यारे साथी, नॉर्थ कोरिया किस पे रहा था लास्ट में, 180, ठीक है, 180 रहा था। हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा ये जारी की गई थी। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी कि किस देश के लोग कितने लोकतंत्र है, किस देश के लोग किसके लोकतंत्र है, ये एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की गई। नॉर्वे इसमें टॉप पे रहा था, सबसे लोकतंत्र कौन है, नॉर्वे, भारत अपना 91 और नॉर्थ कोरिया 167, क्या नॉर्थ कोरिया 167 रैंक पे रहा था, कितने रैंक पे साथी, 167, किस पे, 167। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, सामाजिक गतिशीलता सूचकांक दोस्तों, ये किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। चलिए डेनमार्क टॉप पे, भारत 76 और 82 पे आइवरी कोस्ट, क्या 82 पे आइवरी कोस्ट, इसको एक जगह थोड़ा सा संयोज करके रख दूंगा, आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, अगर भूल भी जाता हूं तो आप याद करा देना, क्या भूल जाता हूं तो एक बार याद करा देना, कमेंट बॉक्स में एक बार बोल देना दोस्तों कि पीडीएफ नहीं मिला, मैं वो आपका कमेंट देखता रहता हूं, वहां से मुझे याद आ जाएगा, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें मेरे प्यारे साथी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 153 देश में भारत का रैंक कितना, 112, क्या 112 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 112 रहा था। चलिए इसमें यमन लास्ट पे रहा था, क्या यमन लास्ट पे रहा था, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कहां पे, तो ये किस में, भारत 180 देशों में कहां पे, 80 रहा था। करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट में भारत 180 रहा था, ठीक है, अभी प्रश्न में भी पूछूंगा, आप टेंशन मत लो, यहां से आपको पेपर मिलेगा। मुझे पता है कि ये देख देखकर बहुत लोग जा रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन उन्हें नहीं मिल रहा, ठीक है। इज ऑफ डूइंग रिपोर्ट, क्या ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट, लोग यहां पे तुम्हें से, चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाते हैं। न्यूजीलैंड टॉप पे, इंडिया 63 और सोमालिया 9 पे, जो ये वर्ल्ड बैंक दिया जाता है दोस्तों, ये ईज ऑफ डूइंग दिया जाता है अलग अलग, अब देखो पूरा ग्लोबली दिया जाता है कि कहां पे, पूरे देश का दिया जा रहा है रैंकिंग, जो रैंकिंग दिया गया भारत का पूरे देश का दिया गया, पूरे देश का कि 63 रहा, लेकिन बात कर रहा हूं बस ये जो रैंकिंग दिया भारत के दो शहरों पे किया जाता था पहले, क्या दो शहरों पे, किस पे, दिल्ली और कोलकाता, क्या सॉरी दिल्ली और मुंबई को देखकर बस यहां पे देख लिया जाता कि क्या व्यवस्था है, और इसी चार दोनों पे पूरे देश की रैंकिंग कर दी जाती थी। अब जो इज ऑफ डूइंग जो रिपोर्ट आएगी, अगला जो भी आएगी, ये दो और शहर जोड़े गए हैं भारत के, वो दो शहर कौन कौन से, कमेंट करके बता दो, क्या दो शहर कौन कौन से हैं, कमेंट करके बता दो, दो शहर कौन से, दो शहर कौन कौन से, कमेंट करके बता दो। एक बोल रहा है सो जाऊं क्या सर, तुझे मैंने पकड़ के थोड़े रखा है भाई जी, जल्दी से बताइए दो शहर ये कौन कौन से हो जाते हैं। देखिए जो भी पहले रैंकिंग दी जाती थी दिल्ली और मुंबई पे दी जाती है, दो और शहर जोड़े गए हैं, दो और शहर जोड़े गए हैं, यानी कि जो अगली रैंक आएगी ना चार शहरों पे, क्या मेरे प्यार साथी, चार शहरों पे आएगी,
पूछ रहा है सर इंडिया किसी में टॉप पे नहीं है क्या? बाबू रैंकिंग नहीं आई है क्या? फेकन इंडेक्स, क्या एक आएगा फेकन इंडेक्स, क्या फेकू इंडेक्स, ठीक है फेकू इंडेक्स आएगा, ठीक है फेकू इंडेक्स बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बकैती इंडेक्स हो गया, ठीक है बनारसी भाषा में बोले तो बकैती इंडेक्स, फालतू टाइम पास इंडेक्स, फालतू टाइम पास इंडेक्स, इस सारे चीज में अगर आता है तो भारत पक्का टॉप करेगा, भारत पक्का टॉप करेगा। चलो किस किस शहरों को जोड़ा जा रहा है? किसी को नहीं याद आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये समझने की क्या बात है, यहां पे आपको इंडेक्स बताया जा रहा है, जहां पे आपको पेपर में आएंगे कि कौन सी रैंकिंग आई थी, आपको प्रश्न बस करने आता है। चलो तो बात करूंगा दोस्तों, देखो ये जो दो शहर को नए जोड़े हैं ये बैंगलोर और कोलकाता, क्या बैंगलोर और कोलकाता को जोड़े गए हैं, ठीक है बैंगलोर और कोलकाता को जोड़ा गया है, समझ गए मेरी बातों को, किसको किसको जोड़ा गया, बैंगलोर और कोलकाता। बहुत सही शानदार, तो याद रख लोगे, चलो अब बता दो तुम, ये बता दो हाल ही में मेरे प्यारे साथी बजट पारदर्शिता में क्या रैंक रही थी, बजट पारदर्शिता, क्या बजट पारदर्शिता में रैंक क्या रही थी भारत का, बजट पारदर्शिता में भारत का रैंक क्या रहा था, बजट पारदर्शिता में भारत का रैंक क्या रहा था वो भी बता दो, बजट पारदर्शिता में भारत का रैंक कहा क्या रहा था, बजट पारदर्शिता में भारत का रैंक क्या रहा था, तो बजट पारदर्शिता में भारत का रैंक 53 रहा था, क्या 53 बजट पारदर्शिता में, 53 बजट पारदर्शिता में रहा था। चलिए वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल इंडेक्स, क्या वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल इंडेक्स हेनले के द्वारा हाल ही में 15-20 दिन पहले जारी किया गया, टॉप पे रहा है जापान। ये पावरफुल जो इंडेक्स दिया जाता है दोस्तों कि किस देश की पावरफुल इंडेक्स है, मतलब कि कहां पे छोड़ किस देश की इंडेक्स को पावरफुल बोला जाता है कि ज्यादा वीजा वगैरह दे सकते हैं, तो जापान टॉप पे रहा था 151 वीजों के साथ, भारत का 85 58 वीजा फ्री है, क्या 58 देशों में फ्री एक्सेस है, लास्ट में अफगानिस्तान, क्या लास्ट में अफगानिस्तान मेरे प्यारे साथी 26 देशों में, तो ये भी याद रखोगे हेनले एंड पासपोर्ट के द्वारा। बात पूछ लेगा भारत का तो पिछले साल कितना रैंक था, पिछले साल 84 था, क्या पिछले साल 84 था। चलो ये जो बताया टेबल बना दिया एक बार, इसका कुछ इंडेक्स का ये टेबल है, कुछ इंडेक्स का ये टेबल है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। बहुत सही शानदार, आवाज बैठ गई दो दिनों से। चलिए आईपीएल से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछ ले रहा है, आईपीएल से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, आज थोड़ा आईपीएल के बारे में देख लेते हैं। देखिए आईपीएल पहली बार दोस्तों पूछेंगे कि कब हुआ, ठीक है आईपीएल कब हुआ, तो आप याद रखना आईपीएल पहली बार 2008 में हुआ था, क्या पहली बार 2008 में हुआ था, विनर कौन रहा था दिल्ली पुलिस में, क्योंकि पूछ लिया था कि आईपीएल के पहला जो विनर टीम था उसके कप्तान कौन थे, पहला आईपीएल टीम था उसके कप्तान कौन थे, तो विनर रहा था दोस्तों राजस्थान रॉयल्स, ये शिल्पा शेट्टी वाली टीम, क्या राजस्थान रॉयल्स इसका नाम है, जो विनर रहा है, क्या विजेता जो रहा था, पहला की बात करो यहां पे, पहला की बात करो, ठीक है राजस्थान रॉयल इसका विनर रहा था, ठीक है और रनर अप कौन रहा था, तो पहले एक टीम हुआ करती थी डेक्कन चार्जर्स, वो रहा था, क्या डेक्कन चार्जर्स रनर अप रहा था। राजस्थान रॉयल के कप्तान कौन थे, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे, कप्तान कौन थे दोस्तों राजस्थान रॉयल। आईपीएल का सबसे पहला शतक दोस्तों आप याद रखना, आईपीएल का सबसे पहला शतक 2008 में पहले ही मैच में मारा गया था, वो मारा गया था डेविड मैकुलम के द्वारा, क्या मैकुलम के द्वारा मारा गया था पहला ही मैच में, 158 रन मारा गया था, ठीक है तो ये डेविड वो मैकुलम के द्वारा, क्या मैकुलम के द्वारा, समझे। एक क्या पूछ रहा सर, मेरे एग्जाम में आईपीएल से नहीं पूछा, मैंने इतने अच्छे से याद किया था, कोई बात नहीं बच्चे अगले एग्जाम में पूछ देगा, क्या किसी और एग्जाम में काम आ जाएगा, जरूरी थोड़े आपके शिफ्ट में नहीं पूछा तो किसी में नहीं पूछा। चलिए
शेन वार्न कप्तान थे दोस्तों, विनर टीम के विजेता में पहले साल कौन थे, शेन वार्न थे। क्या शेन वार्न थे पहले साल। बच्चे कोई भी मेहनत ना आपकी बेकार नहीं जाती। आप बोल रहे हो कि ऐसे ने पूछा क्या, आपको इंफॉर्मेशन के टाइम काम नहीं आएगा। आपने पढ़ा, आप जो पढ़ते हो ना करेंट अफेयर, आप किसी पेपर में भी जाते हो ना तो जो वाइवा होता है ठीक है, या जो इंटरव्यू होता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट काम करता है करेंट रिलेटेड, करेंट रिलेटेड बड़ा ही महत्व रखता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ नहीं अब इससे देखते हैं, बात है दोस्तों कब, हम लोग 2020 वाले आईपीएल के बारे में देख लेते हैं। 2020 वाले आईपीएल के मैंने बार बार बताया हूं कि टीम देख लोगे शुरू से, टीम कितनी थी, कितनी टीम, आठ है ठीक है। टीम कितनी है मेरे प्यारे साथी, आठ है। ये हुआ कहां पर है, ये कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है मेरे प्यारे साथी 2020 वाले यूएई में हुआ है। क्या यूएई में हुआ है, स्पॉन्सर कौन रहा है, स्पॉन्सर कौन रहा है, तो स्पॉन्सर रहा इस बार ड्रीम इलेवन। क्या ड्रीम इलेवन स्पॉन्सर है, कौन रहा है, ड्रीम इलेवन स्पॉन्सर रहा है ठीक है। चलिए ड्रीम इलेवन स्पॉन्सर रहा है, विजेता, विजेता कौन रहा है, तो ये भी याद रखोगे, ये 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 13वां संस्करण था, ये 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 13वां संस्करण ठीक है। चलिए विजेता सबको याद है दोस्तों, मुंबई इंडियंस, विजेता मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा कप्तान थे। क्या रोहित शर्मा कप्तान थे, और मुंबई इंडियंस पांचवी बार इस बार बनी थी, कब पांचवी बार बनी थी। उप विजेता की बात करूंगा, क्या उप विजेता की अगर बात करता हूं तो उप विजेता कौन हो जाता है, उप विजेता मेरे प्यारे साथी हो जाता है दिल्ली कैपिटल्स। क्या दिल्ली कैपिटल्स, जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर कप्तान थे ठीक है, श्रेयस अय्यर कप्तान थे, समझ गए मेरी बातों को, श्रेयस अय्यर कप्तान थे। चलिए और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बना था, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे ट्रेंट बोल्ट। क्या ट्रेंट बोल्ट फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बोले थे ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, क्या मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बना था, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जोफ्रा आर्चर। क्या जोफ्रा आर्चर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ठीक है। ऑरेंज कैप केएल राहुल को दिया गया था ठीक है, पर्पल कैप का सिगो रपाडा, कल भी मैंने ये बताया था 30 विकेट लिया था, सबसे ज्यादा विकेट ठीक है, याद रखो ये पर्पल कैप ऑरेंज कैप तो याद ही रखना। पावरफुल प्लेयर ऑफ द ईयर, पावरफुल प्लेयर ऑफ द ईयर ये मुंबई इंडियंस के ट्रेंट बोल्ट को ही दिया गया था ठीक है, पावरफुल। जबकि मोस्ट सिक्सेस ईशान किशन, मोस्ट फोर की बात करूंगा तो अपने उस क्या नाम है उसका, मोस्ट फोर की बात करूंगा। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सही शानदार। चलिए बहुत सही हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आपको दोस्तों याद रखना आपके पास आएगा ही। मैं आपको बोल रहा हूं ना जीके जीएस की इतना टेंशन मत लिया करो, जीके जीएस अब तो करंट अफेयर की मैं भी बोल रहा हूं, करंट अफेयर मैं बोल रहा हूं ना धुआं धुआं कर दूंगा तुम्हारे लिए, करंट अफेयर ऐसा याद करा दूंगा ना, तुम टेंशन मत लो। चलो चलो ये अब याद रख लेना, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन किरण पोलार्ड, मतलब कि कम बॉलों पे सबसे ज्यादा कौन माना है, देवदत्त पल्लिकल दोस्तों, ये याद रख लेना। ये कौन, ये इमर्जिंग प्लेयर, और किस टीम से खेलते थे, ये कोहली वाला टीम कौन सा था, कोहली वाला जो टीम था उसी से खेलते थे, कोहली वाला जो टीम था दोस्तों उसी से खेलते थे, मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर कोहली वाला जो टीम था उसी से खेलते थे, जल्दी बताएंगे। चलिए कोहली वाला जो टीम था उसी से खेलते थे, समझ गए, इमर्जिंग प्लेयर देवदत्त पल्लिकल, कोहली वाला टीम कौन सा था, बैंगलोर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, और ये पहले वाले का, पहले वाले का। अब मेरे प्यारे साथ इसके साथ और क्या देख लेते हैं, देखो इसके साथ अगर आपको याद है तो यूएई में ही क्या हुआ था, यूएई में क्या हुआ था, ओमेन टी20 चैलेंज, क्या ओमेन टी20 चैलेंज हुआ था ठीक है, ये दूसरी बार हुआ है, ओमेन टी20 चैलेंज ये हुआ था, ओमेन टी20 चैलेंज ठीक है। इसमें तीन टीमें थी, कितनी टीमें थी ओमेन टी20 चैलेंज में, कितनी टीमें थी ओमेन टी20 चैलेंज में, कितनी टीमें थे, तो तीन टीमें थी ओमेन टी20 चैलेंज में। चलिए
वुमेन्स टी20 चैलेंज में पहले तो ये भी देख लो कहां पर हुआ था, ये भी यूएई में हुआ था। अच्छा इसका कोई स्पॉन्सर बता सकता है क्या, इसका कौन सा स्पॉन्सर था, इसका स्पॉन्सर कौन थे, तीन टीमें कौन थी, ठीक है, एक तो टीम थी, तीन टीम दोस्तों, सुपरनोवाज, क्या सुपरनोवाज, ठीक है, सुपरनोवाज एक टीम थी, ठीक है, सुपरनोवाज एक टीम थी जिसके कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, तीन ही टीम थी याद रख लेना, तीनों का कप्तान, ठीक है। दूसरी जो टीम होती है ट्रेल ब्लेजर, क्या ट्रेल ब्लेजर, ट्रेल ब्लेजर ये दूसरी टीम थी, ट्रेल ब्लेजर दूसरी टीम थी, इसके कप्तान होती मेरे प्यारे साथी स्मृति मंदाना, क्या स्मृति मंदाना इसके कप्तान होती है, ठीक है। और तीसरी टीम थी दोस्तों वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी ये तीसरी टीम थी, तीन टीम थी इसी में, कोई कमेंट करके बताया कि नहीं इसके स्पॉन्सर कौन थे, जैसे टी20 का जो जो आईपीएल था उसका स्पॉन्सर तो कौन था, उसका स्पॉन्सर तो ड्रीम इलेवन था, ठीक है, और इसका स्पॉन्सर अलग था, इसका स्पॉन्सर अलग था, हुआ था वहीं पे, हुआ था वहीं पे, कौन था स्पॉन्सर, बहुत सही शानदार, बहुत सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे हैं, कितना बहुत सारे बता रहे हैं, जियो स्पॉन्सर था गुरुजी, क्या जियो स्पॉन्सर था। अब हमें इसमें याद रखना है क्या दोस्तों, कौन जीता है, जीता कौन है, चैंपियन कौन बना है, चैंपियन कौन बना है वो याद रखना, ठीक है, चैंपियन कौन बना है, बहुत सही शानदार। चलिए तो चैंपियन दोस्तों कौन बना है, तो इस बार का जो चैंपियन बना है, जीता कौन है, तो जीती है दोस्तों ये ट्रेल ब्लेजर जीता है, क्या ये ट्रेल ब्लेजर यानी कि स्मृति मंदाना वाला टीम क्या ये विजेता रही है, क्या ये विजेता रही है, जबकि जो रनर अप रहा है, बहुत सही रनर अप रहा है, आप बताइए रनर अप रहा है सुपरनोवाज, क्या ये सुपरनोवाज रनर अप, उप विजेता ये रहा, उप विजेता रनर अप रहा, ठीक है, मजा आया, समझ गए इतना चीजों को। अब देखो और इसमें क्या बता सकते हो, और इसमें कप्तान तो आपको बता ही दिया, और कुछ इसमें छूट रहा है क्या, ओमन टी20 चैलेंज ये दूसरी बार था, ये भी आपको याद रख लेना दूसरी बार था। चलिए वेलोसिटी, इसमें रनर विजेता कौन थी, ट्रेल ब्लेजर स्मृति मंदाना, क्या और इसमें क्या, अच्छा मोस्ट रन मोस्ट विकेट, क्या मोस्ट रन सबसे ज्यादा रन कौन बनाया, सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया, तो सबसे ज्यादा विकेट की बात करूंगा तो राधा राधा यादव, इसमें पर्पल कैप वगैरह नहीं दिया जाता है, बस ये बोला जाता है कि सबसे ज्यादा कौन विकेट लिया, तो राधा राधा यादव दोस्तों ये सुपरनोवाज से थी, क्या सुपरनोवाज से थी राधा यादव, सुपरनोवाज से थी, ठीक है, जो विजेता उप विजेता रहा था, जबकि सबसे ज्यादा रन की बात करूंगा, क्या सबसे ज्यादा रन ये भी नोट कर लेना, सबसे ज्यादा रन तो ये श्रीलंका के एक प्लेयर थी, कोई अट्टा पट्टू करके, क्या चमारी अट्टा पट्टू, क्या चमारी अट्टा पट्टू, चमारी अट्टा पट्टू, चमारी अट्टा पट्टू, ठीक है, चमारी अट्टा पट्टू ये श्रीलंका के प्लेयर थी, चमारी अट्टा पट्टू ये श्रीलंका के प्लेयर थी, समझ गए, तो इतना चीज इससे भी याद रखना, इतना चीज को आपको इससे भी याद रखना है। चलिए अब कुछ मैं आपको चार पांच प्रश्न पूछ लेता हूं, ताकि आपको बुरा ना लगे कि गुरुजी आज प्रश्न तो कराए ही नहीं, आज प्रश्न तो कराए ही नहीं, चलो प्रश्न पूछूंगा, बस तीन चार प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब अभी दे दोगे, तीन प्रश्न पूछूंगा, एक दो तीन प्रश्न पूछूंगा, ठीक है, बस तीन प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब दे दोगे, बहुत सही, जवाब दोगे ना थम्सअप कर दो, अगर जवाब दोगे तो, जवाब दोगे तो थम्सअप कर दोगे। चलिए कल ही बताया था दोस्तों, जब 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे, इनके प्रतिनिधि कौन थे, राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब राष्ट्रपति बने थे तो इनके अपोज में या इनके राइवलरी कौन थे, ठीक है, इनके राइवल या प्रतिद्वंदी कौन थे, प्रतिद्वंदी कौन थे 1952 वाले में कौन थे, चलिए 1952 वाले में कौन थे ये आपका प्रश्न बन जाता है। दूसरे प्रश्न की बात बोलूंगा तो सिंपल सा बता दीजिए, कोई अपॉइंटमेंट से लेते हैं ले लेते हैं, सीबीएसई के चेयरमैन कौन बने, सीबीएसई के चेयरमैन कौन बने, और अगला एक बता दीजिए, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां पे खोला गया, क्या चंदन संग्रहालय कहां पे, संग्रहालय कहां पर खोला गया, भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कहां पर खोला गया, चंदन सैंडलवुड म्यूजियम, क्या सैंडलवुड म्यूजियम कहां पे खोला गया ये भी बता दोगे। चलिए पहला क्या क्या बता रहा है, एक बीडी शाह बता रहा है, केटी शाह मेरे प्यारे साथी होगा, केटी शाह पहला क्या क्या होगा, केटी शाह, ठीक है, केटी शाह पहला होगा। सीबीएसई के चेयरमैन मेरे प्यारे साथी मनोज सिन्हा, क्या मनोज सिन्हा, और तुम्हें दूसरा वाला, ये तीसरा वाला तुम्हें खुद ही बनाना बताना, चंदन संग्रहालय कहां पर खोला गया, चंदन संग्रहालय कहां पर खोला गया ये आप भी बताओगे।
चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक, क्या मैसूर कर्नाटक, बहुत सही मैसूर कर्नाटक, बहुत सही मैसूर कर्नाटक, चलो मैसूर कर्नाटक ये चंदन संग्रहालय खोला गया है। चलिए दोस्तों, तो कल से तो पता है आज बहुत हमारे यहां स्टूडेंट कम रह गए, पता है क्यों, क्योंकि उनका प्रश्न नहीं मिला, क्योंकि उन्हें प्रश्न नहीं मिला यहां पे, लेकिन मुझे पता है प्रश्न से भी ज्यादा मैंने लगता है कि मैंने करा दिया। और कौन कौन इस बात से एग्री करता है, कौन कौन मेरे प्यारे साथी इस बात से एग्री करता है कि मैंने जो आज ये टॉपिक कराया वहां से आपको पेपर में जरूर मिलने वाले हैं तीन चार क्वेश्चन, क्या तीन चार क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में मिले हैं। इसकी पीडीएफ मैं दूंगा, रोज बोलता था कि मैं पीडीएफ नहीं दूंगा ना, आज मैं बोल रहा हूं इसकी पीडीएफ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि किसकी पीडीएफ आपको जरूरत है, ठीक है, किसकी पीडीएफ आपको जरूरत है वो मैं आपको बता दूंगा, समझ गए मेरी बातों को किस किस की पीडीएफ पता है जना मैं मुझे पता है। चलिए, कौन कौन एग्री करता है आज क्लास से, कौन कौन एग्री करता है, एक बार सभी के सभी थम्स अप कर दूंगे, सभी के सभी थम्स अप कर दोगे साथी, सभी के सभी थम्स अप कर दोगे अगर चीजें पसंद आई है तो। जाने से पहले मेरे प्यारे साथी जितने लोग हैं यहाँ पे, आज 1600 ही लोग आ गए, लगभग 500-600 लोग आज कम है, बहुत ही ज्यादा मैटर करता 500-600 लोग, मतलब 500-600 लोग तो मुझे अब लग रहा है कि बस देखने आते थे, घूमने फिरने आते थे, कोई बात नहीं, इतना ही डेली रहो, इतना ही डेली रहो। चलिए, तो क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे साथी जरूर बताइएगा, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक और प्रश्न बताते छोड़ते जा रहा हूं, जिसका कमेंट करके आप लोग जवाब दोगे, ठीक है, जिसका जो कमेंट होता है वहां पे आप जवाब दोगे, और पीडीएफ के लिए जरूर वहां पे याद दिला दोगे कि सो डेट कि मैं शाम में एक बार आपको वो कर दूं। लेकिन एक बात यार, आप सभी ने दिल तोड़ दिया, मैंने आपको बोला था एक एग्जाम पूर्व मोटिवेशन के बारे में, वहां पे जाकर आपको सब्सक्राइब करना, आपने तो किया ही नहीं, ऐसे करोगे। चलिए, आप ये बता दीजिएगा दोस्तों, ये समुद्री संग्रहालय कहां पे खोला जा रहा है, क्या समुद्री संग्रहालय कहां पे खोला जा रहा है, समुद्री संग्रहालय भारत में किस राज्य में खोला जा रहा है, किस राज्य में समुद्री संग्रहालय, किस राज्य में खोला जा रहा है समुद्री संग्रहालय, इसका आपको जवाब बताना है होमवर्क। आशा करूंगा आपको क्लास पसंद आई होगी, इसी तरीके से आप डेली बने रहिए, प्यार बनाते रहिए, इस क्लास को बहुत ही अच्छा बनाएंगे और आपको बहुत ही सच्चा बनाएंगे, और अच्छे तरीके से हमें क्या करना, नंबर ऑफ क्लासेस, अच्छा मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन इन द, ठीक है, नंबर ऑफ सिलेक्शन यहां से होगा, ठीक है, बस आप डेली बने रहिए, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिएगा, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे लोगों को बुरा लगे, ठीक है। और इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं, धन्यवाद, जय हिंद।